विगत 3 माह से पगार नहीं मिलने के कारण माना डोंगरी नगर परिषद के 7 सफाई कर्मचारी काम बंद आंदोलन शुरू किया था, जिसकी वजह से वाना डोंगरी परिसर के घरों में कचरों का अंबार लगा था। किंतु आज शिवसेना के संतोष कानेकर के मध्यस्थी के कारण कर्मचारियों ने फिर से काम पर लौटने की हामी भरी। हिंगनार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे ने जिलाधिकारी से बात कर कर्मचारियों की समस्या जल्द सुलझाने की बात कही। हिंगनार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक समीर मेघे इन्होंने जिलाधिकारी से बात कर कर्मचारियों की समस्या जल्द सुलझाने की बात कही। ऐसा शिवसेना के संतोष कान्हेकर ने कहा, कोरोना महामारी के वक्त सफाई कर्मियों की भूमिका बड़ी अहम है, किंतु 3 माह तक पगार न देना कहाँ तक जायज है? ऐसा सवाल भी सफाई कर्मियों ने उठाया है। वाना डोंगरी नगर परिषद की स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती चौरे ने भी, यह सभी कर्मचारी ठेकेदारी में काम करते हैं, ऐसा कह के अपने हाथ खड़े किए हैं। मला ज्या सुविधा भेटायच्या कोरोनाच्या काळमध्ये त्या मिळाल्या नाही, जे सॅनिटायझर, हँडवॉश, मास्क आणि हँडग्लोव्ज, असं काही सुविधा मिळाल्या नाही आहे। या कारणानं आणि 2 महिन्याचा म्हणजे आमचा 8-8 महिन्याचा पगार ईएफ सुद्धा भरलेला नाही आहे आणि 2 महिन्याचा पेमेंट सुद्धा मिळालेला नाही आणि आता 3रा महिना चालू आहे। 3 महिने 30 तारखेला कंप्लीट होऊन जाईल, तर आम्ही खाऊ का हा विचार आलेला आहे आता तर। आणि हे सगळ्या सुविधा आम्हाला मिळाव्या, कारण की आम्ही जनतेला जेव्हा ड्युटीवर राहून त्यांच्यासोबत त्यांच्या घरचा कचरा उचललेला आहे, त्यांचं पण काम आहे की आम्हाला सपोर्ट करावं। वाना डोंगरी नगर परिषद के अंतर्गत सफाई कर्मचारी जो काम करते थे, वो सफाई कर्मचारी काम करते वक्त इनको पिछले ढाई महीनों से पेमेंट न मिलने की वजह से आज ये 3रा महीना, अभी ये 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, यानी आसपास 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं मिला। इनसे काम करवाते वक्त इनसे डबल ड्यूटी भी करवाई गई, कोरोना काल में भी इन्होंने डबल ड्यूटी की, यानी पूरी तरीके से समर्थन नगर परिषद वाना डोंगरी को दिया। और ये करने के बाद भी जब 2.5 महीने पेमेंट नहीं मिला, तो 2.5 महीने पेमेंट न आने के वजह से मजबूरी में हमको काम बंद आंदोलन करना पड़ा। इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं थी, किसी भी कर्मचारी की कोई इच्छा नहीं थी कि वाना डोंगरी के नगर परिषद नगर के परिसरों में जो कचरा और परेशानियां जा रही है वो लोगों को परेशानी हुए, हमारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन मजबूरीवश हमारा आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था, वो आवाज़ सुना उनके कानों तक, प्रशासन तक जाना चाहिए, इसलिए हमको एक काम बंद आंदोलन करना पड़ा। NBC न्यूज़ के लिए हिंगना से आशीष गोंडाने की रिपोर्ट।